गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द हंकल ट्रांसफॉर्म। देखिए, हंकल ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आज हम हंकल ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखिए, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंडेड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। एफ एक्स है वो क्या है, एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज पर डिफाइन है for x greater than 0, then the Hankel transform of fx denoted by h nu fx p। by Hankel को किससे denote करेंगे, h nu f of x p या फिर f nu of p या फिर capital F of p is defined as, by देखिए यहाँ पर इसके definition h nu fx p is equal to या फिर f nu p भी बोल सकते हैं हम इसको, 0 to infinite तो हमारे पास limit आ जाएगी x j nu p x और f of x dx। यहाँ पर j nu p x क्या है, बेसल फंक्शन है और x j nu p x क्या हो गया, कर्नेल हो गया भाई, कंप्लीट यही तो कर्नेल हुआ हमारे पास, ये फंक्शन एज इट इज। तो यहाँ पर j nu p x इज बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर न्यू, फर्स्ट काइंड है जिसका ऑर्डर क्या है न्यू, और सेकंड है x j nu p x इज नोन एज कर्नेल ऑफ द हंकल ट्रांसफॉर्म and h nu stands for Hankel transformation of order nu। यहाँ पर किसको शो कर रहा है, ये Hankel transform के order को, क्लियर है। और h nu क्या हो गया, Hankel transform operator हो गया या फिर operation हो गया, इसको हम ये बोल सकते हैं। अब देखिए elementary properties of Hankel transform, हम इसके कुछ properties पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ formulas given हैं जो मैंने लिख रखे हैं, जो हमने स्पेशल फंक्शन में पढ़े हैं सारे के सारे फॉर्मूलेस, तो वो एज इट इज आपको लर्न करना है, क्लियर है, जो इसमें यूज आएंगे। अब देखिए इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एफ न्यू आई पी, यहाँ पर आई किसको शो कर रहा है, 1 2 3 4 अप टू एन, क्लियर है। आर हैंकल ट्रांसफॉर्म फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n ऑफ एफ आई एक्स एंड सी आई आर एनी कॉन्स्टेंट देम। कहने का मतलब क्या है, देखिए एफ न्यू आई पी ये हमारे पास क्या है, हंकल ट्रांसफॉर्म है, जहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 1 to n। किसके हंकल ट्रांसफॉर्म है, फंक्शन एफ आई एक्स, जैसे एफ वन एफ न्यू वन पी किसका हो गया, एफ वन एक्स का, एफ न्यू टू किसका हो गया, एफ टू एक्स का, और यहाँ पर सी आई क्या है, कॉन्स्टेंट हो गया, जैसे सी वन सी टू सी थ्री सी आई, देन एच न्यू सी वन एफ वन एक्स प्लस सी टू एफ टू एक्स प्लस अप टू सी एन एफ वन एक्स पी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई क्या होगी लिनियरिटी प्रॉपर्टी, सी वन बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, तो एच न्यू एफ वन एक्स पी प्लस सी टू एच न्यू एफ टू एक्स पी अप टू सी एन एच न्यू एफ वन एक्स पी, ये हमें प्रूव करना है। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एफ वन पी, इसको एफ टू पी और इसको एफ एन पी, क्लियर है। या फिर समीशन में भी लिख सकते हैं, तो समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n बाय सी आर है एच नू एफ आर एक्स पी, तो यहाँ पर आर की वैल्यू चेंज कर दिया 1 2 3 4 तो सम आ जाएगा सबका। इसी प्रकार एच नू यहाँ पर क्या है, समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n सी आर एफ आर एक्स पी, लिख सकते हैं इसको भी, ये हमें प्रूफ करना है भाई। ऐसे भी आ सकता है, इस कंडीशन में भी आ सकता है और इस कंडीशन में भी आ सकती है ये प्रॉपर्टी। तो प्रूफ के लिए भाई हम लेके चलेंगे एच नो सी वन एफ वन एक्स प्लस सी टू एफ टू एक्स प्लस सी एन एफ एन एक्स पी। यहाँ पर लिमिट जैसे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो जीरो टू इनफाइनाइट तो एज इट इज आ जाएगा, और एक्स जे नो पी एक्स हमारे पास कर्नेल हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है लीनियरिटी में वो फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, और डी एक्स अब सबके साथ अलग अलग कर लेंगे इन सबको, तो इसको इसके साथ लिख लिया, इसको इसके साथ लिख लेंगे, इसको इसके साथ, तो यहाँ पर अप टू एन तक चला जाएगा ये। अब देखिए एक्स जे नू पी एक्स सी वन एफ वन एक्स, सी वन को तो बाहर ले लेंगे, तो एक्स जे नू पी एक्स एफ वन एक्स डी एक्स को एफ वन पी बोल सकते हैं। इसी प्रकार सी टू एफ टू पी सी एन एफ एन पी, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि इफ
एच न्यू एफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ न्यू पी है, देन एच न्यू एफ ऑफ ए एक्स पी इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर एफ न्यू पी अपॉन में ए, जहाँ पर ए क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, जीरो होती है इन्फाइनाइट हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को हमें ये प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए लेफ्ट पार्ट लेके चलेंगे, मतलब एच न्यू एफ ऑफ ए एक्स पी लेके चलेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कर हैंकल ट्रांसफॉर्म की, तो जीरो टू इनफाइनाइट एक्स जे न्यू पी एक्स तो करने हो गया, और एफ ऑफ ए एक्स एंड डी एक्स एज इट इज। अब यहाँ से देखिए ए एक्स है तो ए एक्स को हम टी पुट कर दें, क्योंकि एफ ऑफ टी लाना है हमें भाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ए एक्स को टी पुट कर दिया, तो ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लिमिट भी चेंज करेंगे तो लिमिट एक्स की है ये, तो एक्स टेंस टू जीरो देन टी टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट देन टी टेंस टू इनफाइनाइट, तो जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की वैल्यू रख दे टी अपॉन ए जे न्यू पी एज इट इज, और एक्स की वैल्यू टी अपॉन ए एफ ऑफ टी एंड डी टी अपॉन में ए। यहाँ से देखिए वन अपॉन ए वन अपॉन ए वन अपॉन ए स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ गया, और जीरो टू इनफाइनाइट टी जे न्यू पी अपॉन ए टी एफ ऑफ टी डी टी। तो देखिए जे न्यू पी की जगह क्या पी अपॉन ए है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वन अपॉन ए स्क्वायर एफ न्यू पी अपॉन ए, भाई ये एफ न्यू पी अपॉन ए बन गया हमारे पास हैंकल ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल जीरो, तो ये हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। तो आगे हम डायरेक्ट यूज करेंगे, जैसे ए एक्स आ जाता है वन अपॉन में ए स्क्वायर एफ न्यू पी अपॉन में ए एज इट इज यूज करेंगे। सी प्रॉपर्टी है थर्ड है एच न्यू एफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ न्यू पी है, देन एच न्यू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स डिवाइड की कंडीशन के अंदर क्या है, भाई एक्स का डिवाइड है ना यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स पी हमें प्रूफ करना है पी अपॉन में टू न्यू एफ न्यू माइनस का वन पी प्लस एफ न्यू प्लस वन ऑफ पी। तो देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इस कंडीशन को लेके चलेंगे लेफ्ट पार्ट को, और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि x जे न्यू पी एक्स एफ ऑफ एक्स आएगा, तो x से x कैंसिल हो गया, तो जीरो टू इनफाइनाइट जे न्यू पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमें प्रूफ करना है एफ न्यू माइनस वन और एफ न्यू प्लस वन, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है फॉर्मूले के अंदर, हम देखेंगे टू एन जे एन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने x जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन, तो x की जगह क्या है p ऑफ x, तो x की जगह क्या आ जाएगा p ऑफ x, तो x तो इसके साथ ले लिया, तो आप बाहर ले सकते हो बट इंटीग्रेशन के अंदर है, तो x इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, क्लियर है, और p को बाहर ले लिया। यहाँ पर 2n आता है तो n की वैल्यू न्यू है, बट देखिए केवल जे एन पी एक्स की वैल्यू निकालनी हमें, भाई 2n जे एन एक्स पढ़ा है हमने, x जे एन माइनस वन एक्स प्लस एक्स जे एन प्लस वन ऑफ एक्स, यहाँ से टू एन को नीचे भेज देंगे, तो x की जगह पी एक्स है तो p को तो बाहर ले लेंगे, आगे हमारे पास p अपॉन में टू न्यू, तो p अपॉन में टू न्यू जीरो टू इनफाइनाइट x जे न्यू माइनस वन पी एक्स प्लस x जे न्यू प्लस वन पी एक्स, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाहर है, दैट इज ये हमारे पास x जे न्यू माइनस वन अलग अलग कर लेंगे पहले इन दोनों को, और ये तो एफ न्यू माइनस वन हो गया, ये एफ न्यू प्लस वन हो गया, और बाकी पी अपॉन टू न्यू, यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर सी भी कंप्लीट होती है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगली प्रॉपर्टी है इफ एच न्यू एफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ न्यू पी देन एच न्यू एफ एक्स माइनस एच एक्स माइनस ए पी इज इक्वल टू समेशन एम इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डी एम एफ एम पी, जहाँ पर डी एम की वैल्यू क्या है जे न्यू माइनस एम पी ए प्लस पी ए अपॉन टू जे न्यू माइनस एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन पी ए एंड प्लस जे न्यू माइनस एम प्लस वन पी ए अपॉन में एम माइनस वन, ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर एच एक्स माइनस ए क्या है हैवी साइड यूनिट फंक्शन, हैवी साइड यूनिट फंक्शन मतलब जीरो टू ए तक तो जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव रहेगा, क्योंकि भाई देखो x की वैल्यू जीरो टू a रहेगी तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में जीरो रहेगी, और a टू इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू वन होगी, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, तो एच न्यू एफ एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए पी लेके चलेंगे, और यहाँ पर जीरो टू इनफाइनाइट x एफ ऑफ x माइनस ए एच एक्स माइनस ए जे न्यू पी एक्स और डी एक्स, क्यों, क्योंकि वेरिएबल x है, और यहाँ पर पी ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास जे एन यू पी एक्स बेसल फंक्शन, और एक्स जे एन यू पी एक्स कर्नेल हो जाएगा, ये फंक्शन दे रखा है डी एक्स एज इट इज। यहाँ से देखिए हैवीसाइड यूनिट फंक्शन, तो ए टेंस टू इनफाइनाइट,
तो ए टेंस टू इनफाइनाइट एक्स जे न्यू पी एक्स एफ एक्स माइनस ए डी एक्स और एच एक्स माइनस ए को अप्लाई कर देंगे तो अट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस ए फंक्शन को टी बनाना है तो एक्स माइनस ए को टी पुट कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट भी चेंज होगी तो लिमिट देखो जब ए है तो ए माइनस ए जीरो टी बराबर जीरो और ए इनफाइनाइट है तो टी टेंस टू इनफाइनाइट तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी भाई एक्स टेंस टू एक्स की लिमिट है ना इनफाइनाइट माइनस ए तो इनफाइनाइट माइनस ए इनफाइनाइट तो जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की जगह ए प्लस टी जेन्यू पी और ए प्लस टी तो पी ए प्लस पी टी हो गया और एफ ऑफ टी एंड डी टी। अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी है बेसल फंक्शन के अंदर जे एन यू प्लस वी समेशन एम इज इक्वल टू जीरो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जे एम एक्स या जे एम यू जे एन माइनस एम वी ये पढ़ा हमने भाई यू एंड वी में होती है वहाँ पर यहाँ पर यू और वी मान लो इसको तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि एक ही बेसल फंक्शन के अंदर दोनों प्लस में है तो हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस टी एज इट इज और जे माइनस एम इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जे एम पी टी जे एन माइनस एम टी ए और एफ ऑफ टी डी टी क्लियर है। तो ये हमारे पास इसको अलग अलग कर दिया। अब देखिए जे न्यू माइनस एम तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर पी और ए तो इसको तो बाहर ले लिया और माइनस एम इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट और यहाँ पर भी हमारे पास देखिए एक के साथ तो अलग लिख लेंगे इसको और टे के साथ अलग लिख लेंगे क्यों लिखा क्योंकि देखिए ये पूरा बन रहा हमारे पास एफ एम टी क्योंकि ये तो कर्नेल हो गया और ये एफ ऑफ टी डी टी तो इसको एफ एम टी लिख सकते हैं लास्ट वाली वैल्यू को और यहाँ पर ए जीरो टू इनफाइनाइट और एम जे एम पी ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी क्लियर है। इसको हम एज इट इज रख दिया बाकी को तो बाहर कॉमन ले लिया ना हमने। अब देखिए वापस वही कंडीशन अप्लाई करेंगे भाई जे एन एक्स टू एन जे एन एक्स तो एक्स जे एन माइनस वन प्लस जे एन प्लस वन यही आ गया हमारे पास तो एक्स और यहाँ पर क्या है टू एन बाहर आएगा तो टू एन तो नीचे आ गया पी टी और पी टी दोनों में साथ है ए बाहर है ही तो ए पी अपॉन में टू एम और जीरो टू इनफाइनाइट टी जे एम माइनस वन पी टी प्लस जे एम प्लस वन पी टी और एफ ऑफ टी डी टी क्लियर है यहाँ तक भाई। इसमें जे एन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया टू एन जे एन एक्स का जो पहले वाली कंडीशन में लगाए थे ना हमने वही फॉर्मूला इसमें क्यों क्योंकि माइनस में लाना है और एक प्लस में लाना है इसलिए। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप एज इट इज एफ एम पी एज इट इज अब नेक्स्ट देखिए ए पी अपॉन टू एम एज इट इज इसको देखिए टी जे एम माइनस वन पी टी एफ ऑफ टी डी टी तो एफ एम माइनस वन पी हो गया ये एफ एम प्लस वन पी हो गया क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप हो गया इसकी अब देखिए हमारे पास जे न्यू माइनस एम पी एज इट इज आ गया हमारे पास यहाँ पर और एफ एम पी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार आगे हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए पी अपॉन में टू एज इट इज एम ऊपर जाकर एम इनवर्स हो जाएगा और बाहर वाला समेशन एज इट इज एम इनवर्स और यहाँ पर जे न्यू माइनस एम पी ए और एफ एम माइनस वन पी और ए पी अपॉन में टू एज इट इज एम समेशन एज इट इज एम इनवर्स ये एम ऊपर चला जाएगा क्लियर है। इसके साथ भी जे न्यू माइनस एम पी एज इट इज एफ एम प्लस वन पी एज इट इज भाई ये क्यों किया क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हमारे ठीक है एज इट इज है क्या हम इस वैल्यू के अंदर क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है जे न्यू माइनस एम है यहाँ पर तो क्या हम इस एम की जगह एम प्लस वन रिप्लेस कर दें सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में एम है तो हमें लाना प्लस वन तो एम की जगह एम माइनस वन रिप्लेस कर दें तो क्या ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको तो देखिए m इज इक्वल टू एम प्लस वन इन सेकेंड टर्म एंड m इज इक्वल टू एम माइनस वन इन थर्ड टर्म तो देखिए माइनस ये फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म ap अपॉन में टू यहाँ पर भी हम रिप्लेस करेंगे तो इनफाइनाइट में से कम होगा तो इनफाइनाइट रहेगा और ऐड होगा तो भी इनफाइनाइट रहेगा तो m इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसके लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
फिर हमारे पास यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू एम प्लस वन, तो m प्लस वन का इनवर्स j न्यू माइनस m की जगह m प्लस वन करेंगे तो न्यू माइनस m माइनस वन, तो ये और f m की जगह m प्लस वन करेंगे तो माइनस वन हट जाएगा, एफ एम पी प्लस ए पी अपॉन में टू, और ये समेशन एज इट इज m की जगह m माइनस वन का इनवर्स j न्यू माइनस m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p a और एफ एम पी। यहाँ पर देखिए पूरे में से एफ एम पी कॉमन आ रहा है, एफ एम पी कॉमन आ गया, समीशन भी कॉमन आ रहा है, समीशन भी कॉमन ले लिया, तो जे न्यू माइनस एम पी ए ए पी अपॉन टू एम प्लस वन का इनवर्स जे न्यू माइनस एम माइनस वन, क्लियर है। यहाँ पर देखिए एम प्लस वन इनवर्स है ना, ये अपॉन में आ जाएगा, इसी प्रकार एम माइनस वन का इनवर्स तो ये अपॉन में आ जाएगा, क्या डीएम की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसको डीएम लिख दिया, इसको एफ एम, तो डीएम इंटू एफ एम, ये हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है इसकी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू है वन एंड जीरो, वन है जब एक्स की वैल्यू है जीरो टू ए के बीच में, और एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है तो जीरो है एफ एक्स की वैल्यू, और दोनों का ऑर्डर दे रखा है न्यू की वैल्यू, कहने का मतलब एन की वैल्यू जीरो, क्लियर है। तो देखिए डेफिनेशन हम अप्लाई कर देंगे, न्यू इज इक्वल टू जीरो है तो एच जीरो एफ एक्स पी होगा जीरो टू इन्फाइनेट एक्स जे नॉट एफ एक्स जे नॉट पी ऑफ एक्स, क्योंकि पी एक्स ही आएगा हमारे पास, एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये कर्नेल हो गया, एन की वैल्यू जीरो दे रखी है इसलिए एन की वैल्यू जीरो लेके चले हम यहाँ से, यहाँ से हम एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो जीरो टू ए और ए टू इन्फाइनेट, तो ए टू इन्फाइनेट तो जीरो है तो उसको तो हटा देंगे, और जीरो टू ए एक्स जे नॉट पी एक्स डी एक्स। अब देखिए नाउ पुटिंग एन इज इक्वल टू वन एंड रिप्लेसिंग एक्स बाई पी एक्स, x को किससे रिप्लेस करेंगे पी एक्स से, इन द फॉर्मूला हम पढ़ के आए फिफ्थ फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n जी एन एक्स एक्स की पावर n जी एन माइनस वन एक्स, तो यहाँ पर x की जगह पी एक्स रिप्लेस करेंगे तो डी एक्स की जगह हो जाएगा पी ऑफ डी एक्स, और x की पावर n तो यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स, और n की वैल्यू हमारे पास जीरो है भाई वन है ना, यहाँ पर n की जगह हम वन रिप्लेस कर रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स जे वन ऑफ एक्स जे वन ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो पी एक्स की पावर वन जे वन माइनस वन जीरो और एक्स की जगह पी एक्स, क्योंकि हमें जे नॉट पी एक्स की वैल्यू चाहिए इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर है, बट डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो पी से पी कैंसिल आउट हो गया, और x j नॉट पी एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो 1 अपॉन में p d अपॉन डी एक्स एक्स जे वन पी एक्स, तो x j1 पी एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो डेरिवेटिव हट जाएगा 0 टू a, a लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a अपॉन p j1 p a, बट 0 लगाएंगे तो इस 0 के कारण ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया एफ पी इज इक्वल टू 1 a अपॉन p j1 ऑफ p ऑफ a, तो ये हमारा कंप्लीट होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।